Abhi tak we have tried to explore the easy side of WordPress. Aapne ghabrana nahi hai, matlab main aapko koi abhi mushkil cheeze nahi karana chah raha, but I want to give you a flavor of what can actually happen if you try to explore the expert side of WordPress. Ye expert side kya hai? Kis tarah se aap WordPress ke expert ban sakte hain? Kaun si ye feature hai? Iske bare mein main aapko abhi thoda sa डिटेल में बताऊंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्डप्रेस जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, हाउ वाज इट बिल्ट, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस या व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस व्हिच पावर वर्डप्रेस। उसमें से एक है एचटीएमएल, उसमें से एक है सीएसएस, एक है पीएचपी और एक है माइस्क्यूएल। सो ये जो चारों लैंग्वेजेस का एक अमेलगमेशन है, दैट इज व्हाट मेक्स वर्डप्रेस सो अमेजिंग। इसमें से दो लैंग्वेजेस आर फ्रंट एंड एचटीएमएल एंड सीएसएस, एंड टू लैंग्वेजेस आर पावरिंग द बैक एंड ऑफ दिस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट वी नो एज वर्डप्रेस। एचटीएमएल एंड सीएसएस आर द फ्रंट एंड, एंड पीएचपी एंड माइस्क्यूएल इज द बैक एंड। सो देयर इज द फ्रंट एंड देयर इज द बैक। समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बेस्ड ऑन हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स यू कैन डू कस्टमाइजेशन इन दिस होल सिस्टम। आप इस पूरे सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इस पूरे सिस्टम को एडिट कर सकते हैं, यू कैन ऐड न्यू फीचर्स, यू कैन चेंज द लुक एंड फील। आपका जो पूरा अपीयरेंस वाला सेक्शन है, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन भी की, इज पावर्ड बाई द फ्रंट एंड दैट इज नोन एज एचटीएमएल एंड सीएसएस। HTML and CSS are the building blocks of WordPress. But more than the HTML, we are interested in learning about CSS. So ye wo CSS nahi hai. Ek to CSS ka aapne lafz suna hoga ki you know CSS ka exam hota hai, wo le le to aap zindagi mein kamyab ho jayenge. Ye wo CSS nahi hai, usi tarah ki ek aur technology based cheez hai jisko kehte hain cascading style sheets. So what is CSS in online world? It is cascading style sheets. ये basically एक ऐसा system है जिसके through आप अपनी website को एक style sheet दे सकते हैं। It's in the name. Just look at the name. Cascading style sheet. तो ये एक style sheet है जो आप अपनी website को बताते हैं, जिससे वो कोई custom image या कस्टम अपीयरेंस शो करता है। एवरी थीम दैट यू सी इन वर्डप्रेस यूजेस टू लैंग्वेजेस टू शो इट्स अपीयरेंस। एक है एचटीएमएल और एक है सीएसएस, और हर थीम अपनी एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट या सीएसएस जनरेट करती है व्हेनेवर इट्स बीइंग लोडेड बाय द एंड यूजर। बट हमारा ऑब्जेक्टिव इधर क्या है कि हमने एक कस्टम सीएसएस ऐड करना है। वी आर गोइंग टू ऐड अ कस्टम सी एस एस। सो वो कस्टम सी एस एस क्या है और वो कस्टम सी एस एस क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये देखते हैं कि क्यों कस्टम सी एस एस ऐड करना ज़रूरी है। भाई हो सकता है आप कोई एक टाइटल चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो सकता है आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो सकता है आप कोई एक टेक्स्ट ब्लॉक में किसी चीज़ का बॉर्डर चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी भी तरह की एक कोई नई विजुअल फीचर चेंज करना चाहते हो जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में आप नहीं कर सकते। द गुड न्यूज इज दैट सम ऑफ द एडवांस्ड थीम्स हैव बिल्ट इन कस्टम सीएसएस एडिटर्स। तो आप थीम में ही जाके कुछ एडिट्स कर सकते हैं, एंड एडिट से यू कैन एक्चुअली चेंज द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट। बट if you are not able to do that, then the good news is that you can use a plugin. ye abhi tak aapko pata lag chuka hoga ki wordpress mein koi bhi cheez karni hai to uske liye aap plugin use kar sakte hain. that's the beauty of wordpress, that's why wordpress is so powerful, that's why wordpress is so customizable, that's why wordpress is so flexible. so aap custom plugin ek install kar sakte hain custom css ke naam se, and you can go into your editor, वहाँ पे आप custom CSS लिख के you can actually edit that. But ख्याल रहे कि CSS is a whole language.
So, पहले तो मेरी आपको ये सजेशन होगी कि अगर आपको सी एस एस नहीं आता तो आप सी एस एस को जाके पढ़ें और सीखें. इट विल टेक यू एट लीस्ट अ कपल ऑफ वीक्स टू लर्न सी एस एस. और अगर आपको सी एस एस आता है तो आप डायरेक्टली जाके खुद ही अपनी एडिट्स कर सकते हैं. बट अगर आप सी एस एस नहीं सीखना चाहते, अगर आपको सी एस एस मुश्किल लगता है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क अ फ्रेंड टू डू सम कस्टमाइजेशन इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग सी एस एस. तो जाएंगे अब थोड़ा सा लाइव जाएंगे और देखेंगे कि सी एस एस क्या है, सी एस एस कैसे दिखता है, कैसे आप कस्टम सी एस एस ऐड कर सकते हैं, एंड यू हाउ यू कैन ऐड कस्टमाइजेशन टू योर वेबसाइट यूजिंग सी एस एस. कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इट्स अ लैंग्वेज थ्रू विच यू कैन ऐड स्टाइलिंग टू अ पर्टिकुलर पेज. और आप w3schools.com पे जाके डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं कि व्हाट इज सी एस एस, हाउ सी एस एस वर्क्स, और सी एस एस कैसे आपकी वेबसाइट पे एक कस्टम स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हैं. मेरा मकसद इस कोर्स में आपको सी एस एस सिखाना नहीं है, मेरा मकसद इस कोर्स में आपको सी एस एस के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो देना है, और बाद में आप अगर खुद सीखना चाहें इसको तो सीख सकते हैं. थोड़ी सी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ कि अगर सी एस एस में आपने बॉर्डर ऐड करना हो, बॉर्डर पे बैकग्राउंड देना हो, तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, ये आप देख रहे हैं. बट इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये सिर्फ तब यूज़ करना है अगर इफ़ यू रियली वॉन्ट टू यूज़ इट. साथ ही साथ अगर आपने सी एस एस में कोई बैकग्राउंड देने हो तो वो आप दे सकते हैं, कलर्स देने हो सी एस एस में कलर्स आप दे सकते हैं, पैडिंग देनी हो वो दे सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. इसी तरह बॉक्स मॉडल है, फॉन्ट्स हैं, आइकन्स हैं, सी एस एस इज़ वेरी डिटेल्ड. सो आपने थोड़ा सा इसको स्टडी करना है और देखना है कि हाउ सी एस एस एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट. मैं आपको सी एस एस सिखाऊंगा तो नहीं, सिर्फ मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर जॉब इज टू ऐड कस्टम सी एस एस टू वर्डप्रेस. और ये मैंने एक गूगल क्वेरी लिखी है और ये wordpress.com के लिए भी है और आपके उस वर्डप्रेस के लिए भी है जो आपने अपनी वेबसाइट पे खुद इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मोस्टली आप लोगों ने किया होगा. तो एक प्लगइन हमें मिला है जिसका नाम है wp-add-custom-css. wp-add-custom-css was updated 10 months ago. It has 100,000 की installation, so it looks like the right plugin which I should be installing on my website. बट सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरी जो करंट थीम है क्या वो मुझे एक कस्टम सीएसएस एडिट करने पे अलाउ करती है कि नहीं करती. अगर करती है तो लेट्स सी, अपीयरेंस में हम जाएंगे और वहाँ से वील गो टू कस्टमाइज, वील गो टू अपीयरेंस, वील गो टू द कस्टमाइज सेक्शन, और वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि क्या कस्टम सीएसएस की एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है. और मैंने जब अपनी साइट का कस्टम वाला पार्ट खोला है, कस्टमाइज़ वाला, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी साइट में डीवी इंस्टॉल हुई हुई है और डीवी में एक एडिशनल सीएसएस का पार्ट है. तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल सीएसएस ऐड कर सकता हूँ. और व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एक्चुअली गो बैक एंड आई कैन ऐड अ कस्टम प्लगइन फॉर कस्टम सीएसएस. सो मैं जाऊँगा वापस एंड आई लुक फॉर plugins and I'll search for custom CSS. So mujhe different plugins mil rahe hain, WP add custom CSS, simple custom CSS, simple custom CSS and JS. I'll try to install WP add custom CSS, jo ke mujhe ek option dega of installing a custom CSS. Queries likhna aapko khud aana chahiye, aapko khud pata hona chahiye ki queries kaise likhte hain. My suggestion to you is to go and learn WordPress एंड सी के वर्डप्रेस के अंदर सी एस एस आप कैसे कस्टम ऐड कर सकते हैं. ये मैं एक्टिवेट करूँगा और उसके बाद लेफ्ट पे यू विल सी कि मेरे पास एक ऐड कस्टम सी एस एस की ऑप्शन आ गई है. जब ऐड कस्टम सी एस एस में मैं जाऊँगा तो आई कैन ऐड कस्टम सी एस एस फ्रॉम दिस सेक्शन. तो इस पूरे सेक्शन में आई कैन ऐड थिंग्स लाइक बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैं उसका यू आर एल दे सकता हूँ. दीज आर नॉट एग्जैक्टली दोज रियल क्वेरीज, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा. आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कौन से सी एस एस रूल्स हैं, कहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सारा डिपेंड करेगा अबाउट फ्रॉम द कस्टम सी एस एस दैट यू आर लर्निंग ऑन w3schools.com. वहाँ पर जाके अपनी क्वेरीज को देखें,
देखेंगे वो क्वेरीज कहाँ से आप ऐड कर सकते हैं आपकी साइट पे और कैसे वो आपकी साइट को यहाँ पे इफेक्ट करेंगी. एंड बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू ऐड ऐसी क्वेरीज जो कि आपकी साइट को बेहतर कर सकें, आपकी साइट में नई विजुअल फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकें. तो आपका और हमारा साथ इस तक रहेगा कि वी विल ट्राई टू टीच यू एज मच एज पॉसिबल, वी विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज पॉसिबल. बट सीखना आपने है, आपने करना है, आपने एक्सप्लोर करना है. एंड करते रहें, सीखते रहें. प्लीज़ सी एस एस जाके ज़रूर सीखें एंड ट्राई टू लर्न अबाउट सम ऑफ द अदर लैंग्वेजेस दैट पावर वर्डप्रेस. एंड गुड लक.